नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक मस्त और मन को शुद्ध करने वाला वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ। लेकिन आज का वीडियो भी पहले की तरह एक फरमाइश वाला वीडियो है, और ये फरमाइश करने वाला बंदे का नाम है, हमारा सब्सक्राइबर है और दर्शक भी है, उसका नाम है @yoganmr, उसका नाम है, और वीडियो का टाइटल है कनाडा राजा पंडारीचा। और एक जो वीडियो में गीत जिसने लिखा है उसका नाम है कुलदीप एम पाई। जिसने वीडियो का गीत लिखा है, उसका संगीतबद्ध किया है, उसका प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर, सब कुछ कुलदीप एम पाई है। और जो वीडियो में जिसने भजन गाया है, दो बहनों ने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि दो बहनें हैं, वो बहनों का नाम है, एक का नाम है पूर्वा कोच और दूसरी बच्ची का नाम है पवनी कोच। दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों बहनें इतना मधुर इस वीडियो में संगीत गाती है, ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पहले इस दो बहनों को वीडियो देखेंगे, फिर हम उसका आगे रिएक्शन देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची का मैंने पहले भी एक वीडियो का रिएक्शन दिया है, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया और भक्ति भाव पूर्वक वाला वीडियो। कनाडा राजा पंढरीचा, कनाडा राजा पंढरीचा, कनाडा राजा पंढरीचा। कनाडा राजा पंढरीचा, कनाडा राजा पंढरीचा, कनाडा राजा पंढरीचा, कनाडा राजा पंढरीचा। वेदा नाही नाही कळला, वेदा नाही नाही कळला, अंक पार याचा, निराकार तो निर्गुण ईश्वर असा प्रकटला असावे केवल, निराकार तो निर्गुण ईश्वर असा प्रकटला असावे केवल, उभय राजा पंढरीचा।
विठ्ठल 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 विठ्ठल। दोस्तों, ये पवनी कोच और पूर्वा कोच दोनों बहने का जो एक तो कंठ है, एक कंठ बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कि जो इस वीडियो में जो भगवान राजा कानडा राजा कानडा राजा कानडा राजा पंडारिया मतलब पंडेश्वर भगवान का जो गुणगान गाए है, वो जो संगीतबद्ध किया है, इतना मधुर लगता है ना। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा कि मुझे संगीत में जो मतलब जो शास्त्रीय संगीत में पहला वो ऊर्जा ऐसा लगता था, लेकिन ये दोनों बहनों का जो ना मैंने जो दो तीन वीडियो मैंने देखा है और मैंने जब उसको सुना और कुलदीप पाई जो उसको सिखाने वाले जो मैं तो उसको शायद गुरु जी समझता हूँ, कुलदीप पाई का भी मैंने वीडियो देखा है और ये दोनों बच्चियाँ छोटी छोटी थी तब उसको सिखाते थे और उस टाइम उसका गीत मैंने देखा था, तब थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट हुआ था। और बाद में मुझे जो हमारे सब्सक्राइबर है उसने दो वीडियो हमको भेजा और तब से जब से मैंने वीडियो देखा तब से वो दोनों बच्चियों का मैं उसका दीवाना हो गया, क्योंकि दोनों बच्चियों का जो गाने का स्टाइल है, गाने का सॉरी स्टाइल नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि उसका अपमान होगा, जो उसमें कला है गाने की, जो कला है वो संगीत उसके कंठ में है ना, जब वो गाती है ना तो इतने मधुर स्वर उसका निकलता है मैं गदगद हो जाता हूँ। क्योंकि और ये बच्चियाँ इतनी मधुर और
आनंदमय तरीके से भगवान का जो स्तुति करती है, भगवान का जो भजन करती है ना, सही में बहुत अच्छा लगता है। और आनंद मन में एक सुकून लगता है कि भगवान के जो कितना मधुर गीत गाती है। मैं भी गाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे इतने शास्त्रीय संगीत में मुझे मतलब हमको आता नहीं है, क्योंकि हमने कहीं शिक्षण लिया नहीं है। लेकिन मुझे भी रस तो बहुत होता है इस बच्ची के माफक मैं भी गाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। एनीवे, इस बच्ची में जो दोनों बच्चियों में गाने का स्टाइल है वो तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, एक वीडियो में जो शब्दों का जो क्रमबद्ध रजूआत किया है, शब्दों के जो गीतकार और संगीतकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी में है कुलदीप एम पाई। मैं तो उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा वीडियो बनाया, और आप इस सतीत इस संगीतकार में आप ऐसा भगवान का भक्ति वाला जो भजन और गीत छोटी छोटी बच्चियों से प्रैक्टिस करवाते हैं, वो बहुत अच्छा काम है। और मैं आपको तो बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप इतना मधुर संगीत में क्रमबद्ध रजू करते हो, सच में एक बहुत अच्छी बात है। कुलदीप पाई का सभी वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मुझे देखने में मजा लाता है, और जब सुनता हूँ तो मगज में शांति मिलती है, प्राप्ति शांति प्राप्ति होती है। और दोनों बहनें जो गाने वाली है वो भी बहुत मधुर बहनों है, और वो बहनों मैं तो समझता हूँ आगे जाके बहुत वो तो मधुर नाम तो करेगी, क्योंकि नाम तो उसका हो ही गया है, आपको सिर्फ उसको सुनने की ज़रूरत है और हमारे मन में उसका ध्यान करने की ज़रूरत है, तो हमारे भगवान भी हमारे मन में आ जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, भूल चुक होगी तो क्षमा करना, माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।